Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So guys, summers आ चुके हैं और अगर summers में grooming सही से ना की जाए तो बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही life saving grooming hacks लेकर के आया हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये जितने भी hacks मैं आपको बताने वाला हूं आपके everyday life से related हैं। So if you are interested in this topic, make sure you watch this video till the end, consider subscribing and let's get started. स्वेटी एंड स्मेली आर्मपिट्स, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है गर्मियों में और ये बहुत ज्यादा खराब भी दिखती है। बात बात में पसीना आता है और अगर आपने लाइट कलर की टी शर्ट पहनी हो तो जो पसीना इकट्ठा हो जाता है आर्मपिट्स के पास वो बहुत ज्यादा खराब दिखता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल हैक बताता हूँ। मार्केट में तरह तरह के स्वेट पैड्स अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ही इजी टू यूज होते हैं। अगर आपकी भी बहुत ज्यादा पसीना आता है आर्मपिट के पास तो आप ये स्वेट पैड्स यूज कर सकते हैं। आपको बस अपने आर्मपिट के नीचे लगाना है एंड उसके ऊपर आप जैसे टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं वैसे आप पहन सकते हैं। जो भी स्वेट आएगा वो आपका स्वेट पैड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, आपकी शर्ट खराब नहीं होगी, आपको डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होगा और वो दिखने में भी सही लगेगा। ये जो स्वेट पैड है ये 419 रुपीज का है। इसमें आपको 7 स्वेट पैड्स मिलते हैं और ये रीयूजेबल भी है, मतलब कि आप इनको वॉश भी कर सकते हैं और बार बार इसको यूज कर सकते हैं। बैक के जो हेयर होते हैं उनको हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप अकेले कैसे हटाएंगे एंड आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी। बट रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड दिस बैक शेव, ये बैक के हेयर हटाने के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, बहुत ही ईजी टू यूज है। आपको बस लेना है और अपनी बैक में अपोजिट डायरेक्शन में इसको चलाना है, जैसे हम शेव करते हैं अपनी बियर्ड वैसे ही आपकी जो पूरी बैक है वो शेव हो जाएगी। एंड बेस्ट पार्ट इज जो आपकी हेयर ग्रोथ होगी वापस से वो इतनी ज्यादा थिक नहीं होगी और बहुत ही इजी टू यूज है, यानी कि आप अकेले कर सकते हैं, किसी की आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। 999 रुपीस का है एंड अगर आपने एक बार ले लिया तो डेफिनेटली आपको किसी से बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि प्लीज मेरी बैक शेव कर दो। जितने भी मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे अमेज़न से हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धूप से वापस आए, आपने शूज उतारे एंड पसीने की वजह से जो शूज में स्मेल आती है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होती है एंड हम सोचते हैं कि हम पैर भी साफ करते हैं, हम रोज सॉक्स भी चेंज करते हैं बट फिर भी ये बदबू क्यों आ जाती है। अगर आपके जूतों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो आप उनको एटलीस्ट एक घंटा धूप में रख दीजिए। इतनी भी बदबू है या फिर स्वेट है वो सब धूप में अब्सॉर्ब हो जाएगा, वो सब धूप सोख लेगा। इसके साथ साथ आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैन कंपनी का पेडिक्योर किट, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही इजी टू यूज है। 179 रुपीज में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, सोक करना है, क्लेंस करना है एंड उसके बाद बस रिलैक्स करना है। जब तक आपके पैर साफ नहीं होंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उसमें से स्मेल नहीं आएगी या उसमें से पसीना नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको अपने पैरों का ध्यान सबसे पहले रखना है। गर्मियों में इतना ज्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से ब्लैक हेड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि एवरीडे आप होम रेमेडी करके ब्लैक हेड्स निकालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इसीलिए मैं यूज करता हूँ नोज स्ट्रिप्स, ये चारकोल बेस्ड नोज स्ट्रिप्स है और ये बहुत ही इजी टू यूज है। आपको बस अपने नाक के ऊपर लगाना है, 5 से 10 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आप इसको हटा लीजिए एंड यू विल सी कि व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स में काफी डिफरेंस आएगा। अगर आप इसको वीक में एक बार भी यूज करते हैं तो आपको बहुत टाइम तक ब्लैक हेड की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब लोग सनस्क्रीन लगाते हैं गर्मियों में मगर फिर भी हमारे शरीर पर टैनिंग हो जाती है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। धूप में जाने से पहले 15 टू 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए क्योंकि जो सनस्क्रीन है उसको भी आपकी स्किन पे बैठने में थोड़ा टाइम लगता है एंड ऐसा भी नहीं है कि आपने सनस्क्रीन एक बार लगा ली तो उसके बाद 6 से 8 घंटे के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगी। हर 3 घंटे में आपको सनस्क्रीन वापस से अप्लाई करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली वर्क करे और आपको सन डैमेज से बचाए। मैं पर्सनली यूज करता हूँ न्यूट्रीजीना की सनस्क्रीन जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, SPF 50+। घर से अच्छे से तैयार होकर के हम लोग जाते हैं मगर जब तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं ड्यू टू समर थोड़ा सा स्वेट आ जाता है और स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है और फेस बार बार धोना इज नॉट सो इजी। तो इसके लिए आप अपने साथ रखिए सैवलॉन के जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके फेस पे पसीना आ रहा है एक वाइप निकालिए, अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लीजिए, जर्म प्रोटेक्टर है, कोई वायरस वगैरह होगा तो उसको भी ठीक कर देगा एंड स्वेट से जो पिंपल होने के चांसेस होते हैं उसको भी वो हटा देता है। गर्मियों में कौन नहीं चाहता कि पूरे दिन भर उसके शरीर से अच्छी सी खुशबू आती रहे। साबुन और जो बॉडी वॉश यूज करते हैं वो खुशबू तो देते हैं मगर 3 या 4 घंटे के बाद उनकी खुशबू कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए जब कभी भी आप नहाएं तो एसेंशियल ऑयल की 2 या 3 ड्रॉप्स अपने पॉकेट में जरूर डाल लें और उससे नहा लें। जो एसेंशियल ऑयल होता है वो आपके शरीर पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तक आपके शरीर से हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी, आपको फ्रेश दिन भर फील होगा, इतनी गर्मी में भी यू विल फील कूल। रात को थक हार के जब आप अपने बेड पे लेटे हैं तो अपने फेस पे एक अच्छी सी मसाज मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस रोल ऑन मसाजर, ये नेचुरल हिमालयन मार्बल से बना हुआ है, इसको मैं 1 घंटा फ्रिज में रख देता हूँ एंड अपने फेस की और नेक की अच्छे से मसाज करता हूँ।
बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। आपके फेस पे और नेक पे जब अच्छे से ठंडी ठंडी मसाज होगी तो सारी थकान आपकी तुरंत गायब हो जाएगी। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे लाइफ सेविंग ग्रूमिंग हैक्स जो कि हम सबको जरूर ध्यान रखने चाहिए इस समर्स में। ये जितने भी हैक्स हैं बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बहुत ज्यादा इजी टू यूज हैं, इससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं सारे मेरे खुद के खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको खुद यूज करता हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप इनको आराम से खरीद सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक, डू सब्सक्राइब, फॉलो मी माई इंस्टाग्राम, हियर इज माई हैंडल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।